नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। जी हाँ, फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ खास रहने वाला है। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, जी हाँ, यहाँ पे ट्रेनी एलपी के बारे में जो है ना जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में दो तीन कंटेंट को जो है ना शामिल किया गया है। पहला कंटेंट है कुल कितने दिनों की जो है ना ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे आपकी सभी के मन में जो है ना शंकाएं रहती है कि कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, या ट्रेनिंग जो है ना जैसे कि आपके ऑफर लेटर में कुछ लिखे रहते हैं, कराए जाते हैं कुछ, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। और साथ ही बताना चाहेंगे कि ट्रेनिंग में फेल होने पर जो है ना कितना चांसेस मिलता है, और क्या क्या होता है कि घर वापस भेज दिया जाता है, या निकाल दिया जाता है, या दोबारा चांसेस दिया जाता है, पूरा विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा सटीक व सही इंफॉर्मेशन पाने के लिए। जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटे को बटन को दबा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे विस्तार से जो है आपके सामने जो है ना चीजों को रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या था हमारा, कुल कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रेनिंग के बारे में जानिएगा। कहीं कहीं ऑफर लेटर में आप 104 दिनों का ट्रेनिंग देखे होंगे, कहीं कहीं 104 दिनों का देखे होंगे, और कहीं कहीं जो है ना 84 डे का देखे होंगे, कहीं कहीं 151 डे का देखे होंगे, कहीं कहीं आपको 124 दिन देखने को मिले होंगे। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए मेन चीज जो मेन फैक्ट है उस पर हम चलेंगे। जी हाँ, कहीं कहीं आपको 84 दिन का, कहीं 151 दिन का, कहीं 124 दिन का, कहीं 104 दिन का, और अब आपको सुनने में आ भी रहा होगा कहीं कहीं 78 दिनों का। तो 8 ये सब जितने भी हैं वर्किंग डे होते हैं। वर्किंग डे क्या होते हैं? सैटरडे, संडे और होली डे। जी हाँ, और सॉरी सैटरडे बोल दिए, संडे और होली डे को छोड़ के जो है ना इसे काउंट किया जाता है, ये वर्किंग डे में आता है। और कहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जो है ना सेकेंड सैटरडे को जो है ना वहां पे छुट्टी दिया जाता है, उसे भी जो है ना छोड़ दिया जाता है। तो खैर वो जो है ना ट्रेनिंग सेंटर पे डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं 151 दिन जो देख रहे हैं ऑफर लेटर में, 124 दिन देख रहे हैं, 78 दिन देख रहे हैं, और साथ ही 84 दिन, 104 दिन। ये जोनल रेलवे पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए यहाँ पे अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा भारत अभी जो है ना पूरे भारत में क्या है कि विद्युतीकरण 100% जो है ना हो गया है। विद्युतीकरण का मतलब हो गया कि जितनी जगह है और जहाँ पे रेलवे की जो है बिछाए गए हैं, रेलवे का सेवा जो है दिए जा रहे हैं, सभी जगह जो है ना बिजली से चलने वाले। जी हाँ, बिजली से चलने के लिए वो तैयार हैं। तो बिजली से जब चलने के लिए तैयार हैं तो लोको, जी हाँ लोको जो है यानी कि रेलवे का इंजन भी जो है वो क्या चीज से चलेंगे? बिजली से चलेंगे, डीजल से यहाँ पे नहीं चलेंगे। कुछ कुछ ऐसे भी अभी सेक्शन है जहाँ पे जो है ना डीजल से ही जो है ना इंजन को चलाए जा रहे हैं, डीजल वाले इंजन। और कहीं कहीं जो है ना अभी आप देखे होंगे कि भाप इंजन, वैसे स्टीम इंजन एक आध जो है ना वो टूरिस्ट वगैरह सबके लिए रखे हुए हैं कुल्लू मनाली वगैरह सब घूमने के लिए। तो खैर वहां जरूर जाइएगा तो देख लीजिएगा, है ना, कभी ना कभी तो जाने का मौका जरूर मिलेगा। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि विद्युतीकरण 100% हो गया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन ही चलेंगे। इलेक्ट्रिक इंजन में भी जो है ना जैसे कि आपके WAG9, जी हाँ WAG9 जो है ये अभी आपका 95% जो है ना ये आ गए हैं। 95% आपका जो है ना WAG9 इंजन ही चलाए जा रहे हैं जो कि विद्युतीकरण विद्युत ये चलते हैं। तो अब ध्यान देने की बात ये है कि आप देखिए यहाँ पे ये जो है ना इलेक्ट्रिक वाला, ये जो है ना इलेक्ट्रिक लोको ट्रेनिंग सेंटर जो होता है वहां पे इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक लोको की तैयारी कराई जाती है। ट्रेनिंग एलपी को वो जो होती है लगभग 37 से 45 दिन, जी हाँ 37 से 45 वर्किंग डे का होता है। तो इनमें जो है ना ये आप सपोज डेट मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने तक का ट्रेनिंग जो है ना ये कंप्लीट हो जाता है। ये तो मेन हो गया। अब डीजल का इसी साथ जो है ना कहीं कहीं डीजल का ही कराए जाते हैं। तो डीजल का ट्रेनिंग मान लीजिए 2 महीने का या 1 महीने का करा के कंप्लीट करा दिए, या कहीं कहीं दोनों कराए जाते हैं। अब एक होता है SWR, जी हाँ SWR होता है सेफ वर्किंग रूल। जी हाँ सेफ वर्किंग रूल, इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हो गया, सिग्नलिंग वगैरह सब हो गया, उसके बाद रूल नियम जितने भी GRSR वगैरह सब रूल नियम है ये सब पूरा, आप सिग्नल में कैसे आप पार कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सिग्नल खराब है तो उसमें आप कैसे पार कर रहे हैं, किस प्रकार के कैसे कैसे सिग्नल होते हैं, इन सब चीजों की जानकारी आपको सेफ वर्किंग रूल में होता है जो कि ये ट्रेनिंग होता है 24 वर्किंग डे का। जी हाँ 24 वर्किंग डे का होता है वर्किंग डे का। अब यहाँ पे कहीं कहीं जो है ना किसी मंथ में ज्यादा छुट्टियां हैं, होलीडे है या संडे है, उस हिसाब से जो है ना जैसे 24 दिनों का है तो आपका 35 दिन भी जा सकता है छुट्टी को हटा के। आप देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे
24 दिन का ये तो SWR हो गया। इसके साथ में एक सेफ्टी कैंप होता है जिसमें आपको आग वगैरह सब बुझाने का जो है ना, और क्या क्या प्रिकॉशन वगैरह सब लेना है, आग लग गया या और कुछ एक्सीडेंट वगैरह सब हो गया तो इस स्थिति में आपको क्या करने हैं, एज LP का क्या जो है ना वहाँ पे कार्य है, तो ड्यूटी क्या है, तो वो सब जो पूरा जो है ना आपको वहाँ पे बताए जाते हैं। 7 दिनों का ये ट्रेनिंग हो गया, तो 7 दिन का ये हो गया, 24 दिन का सेफ वर्किंग ड्रिल हो गया, टोटल यदि इन दोनों को जोड़ देते 31 दिन हो गया। तो इन दोनों को कंप्लीट रूप से आप काउंट कीजिएगा, और सैटरडे कहीं कहीं सेकेंड सैटरडे छोड़ दिया जाता है, संडे को आपका छुट्टी ही रहता है, तो ये हॉलीडे बीच में आता है उसको भी छोड़ के तो आप ट्रेनिंग ये देख लेते हैं, तो लगभग ये जो है ना आपका 1.5 माह का ये भी हो जाता है। जी हाँ, 1.5 माह का ये भी हो जाता है और 1.5 माह का ये भी, 3 माह हो गया। यदि डीजल कराया गया तो आपका जो है ना, जैसे कि एक एक महीना और जोड़ लीजिए, 4 माह हो गया, 4.5 माह, टोटल 5 माह। जी हाँ, मिनिमम 5 माह यदि ये सब सभी ट्रेनिंग कराए जाते हैं, डीजल के साथ इलेक्ट्रिक भी कराए जाते हैं, तो 5 माह लेके चलिए। यदि डीजल छोड़ के, अभी ज्यादातर डीजल को छोड़ के ही कराए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करा के SWR करा दिए जा रहे हैं, जी हाँ इलेक्ट्रिक करा के, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, हाँ ये इलेक्ट्रिक करा के जो है ना SWR, वैसे माउस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इलेक्ट्रिक करा के और SWR करा के, सेफ वर्किंग रूल करा के, ये तीनों को यदि काउंट करते हैं तो 3.5 से 4 माह, जी हाँ 3.5 से 4 माह की ट्रेनिंग जो है ना कंप्लीट करा दिए जाते हैं। इन दरमियान आपको सैलरी जो मिलती है, चर्चा कर चुके हैं पीछे भी कई वीडियो में, अभी DA जो है ना 34% ही मिलता है, और आने वाले कुछ दिनों में जो है ना एड करके मिल जाएगा, और नए LP जो अब भर्ती रिक्रूटमेंट होने वाले हैं 2022-23 जो भी होना है, तो उसमें 38% DA मिलेंगे। जी हाँ, 26,666 रुपए जो है ना अभी एक ALP को सैलरी मिलती है, कहीं के भी ALP है इतना ही सैलरी जो है ना ट्रेनिंग के दरमियान मिलती है। DA और बेसिक के अलावा कोई भी अलाउंसेस वगैरह सब नहीं मिलती है। इस पे खास तौर पे वीडियो हम बना दिए हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। दोनों यहाँ पे जो है ना कंप्लीट रूप से हो चुका होगा, एक पॉइंट जो है ना बच गए हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, ट्रेनिंग में फेल होने पे क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग में फेल होने पर होता क्या है। सबसे पहले रेलवे जो एक बार आपको ट्रेनिंग जो कराती है, इसमें आपको स्टाइपेंड के रूप में, अभी सैलरी के बारे में जो बात की है, तो वो आपको मिलती है इस दरमियान। यदि आप पहली बार में ट्रेनिंग फेल कर जाते हैं, जी हाँ ट्रेनिंग फेल कर जाते हैं, ट्रेनिंग के दरमियान एग्जाम वगैरह सब कितना कितना का होता है, इस पे स्पेशल वीडियो लेके आएंगे तो फिर पता चलेगा। अभी ये जानिए कि ट्रेनिंग जो होने के बाद जो आपका एग्जाम वायवा वगैरह सब जो होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आप उनमें किसी भी पार्ट में यदि आप फेल करते हैं तो आपका पूरा ट्रेनिंग दोबारा कराया जाता है। तो दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए एक चांस दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी और जनरल वाले को, ओबीसी और जनरल वाले को एक चांस दिया जाता है, अतिरिक्त चांस इसे आप बोल सकते हैं। एक तो आप सभी को दिया जाता है शुरुआत में जब जाइएगा, तो एक तो ये सबके लिए हुआ, एक अतिरिक्त चांस ओबीसी और जनरल वाले को दिया जाता है। तो टोटल 1 पहले वाला, 1 बाद वाला, दोनों मिला के दो बार टोटल आपको ट्रेनिंग दिए जाते हैं। पहले वाले ट्रेनिंग में तो आपको स्टाइपेंड के रूप में पैसे मिलेंगे, सेकंड वाले जो है ना खुद के पैसे से करने होंगे, यानी कि यहाँ पे सेकंड बार जो चांस आपको दिया गया है इसमें आपको पैसे खुद से आपको जैसे कि खाने पीने का पूरा अरेंज करना होगा, कोई भी सैलरी आपको इस दरमियान नहीं मिलेंगे। तो इस समय देखिएगा, पहले वाले ही ट्रेनिंग में आप कंप्लीट करना चाहिएगा, दूसरे वाले ट्रेनिंग में फिर आप करते हैं तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और हालांकि यह जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद जो आप काम कीजिएगा तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेंगे, और ये ट्रेनिंग के दरमियान स्टाइपेंड जो मिलती है ये आपको नहीं मिलेंगे। ये तो ओबीसी जनरल के बारे में जान गए। एक बार पहला चांस तो वह रेलवे द्वारा दिया जाता है जो आप पहली बार करते हैं, और एक चांस अतिरिक्त जो दिया जाता है ये रेलवे के द्वारा दिया जाता है जिसमें सैलरी नहीं मिलती है। तीसरा बात कर लेते हैं, केवल SC ST कैंडिडेट के लिए एक अतिरिक्त चांस और दिया जाता है। तो टोटल एक बार पहला, दूसरा बार और तीसरा बार, यानी टोटल 3 बार ट्रेनिंग के लिए इसे जो है प्रिपेयर किया जाता है SC ST कैंडिडेट के लिए। इसके अतिरिक्त कोई भी ट्रेनिंग जो है ना ट्रेनिंग के लिए जो है आपको अतिरिक्त चांस नहीं मिलेंगे। हालांकि जो भी ट्रेनिंग पे जाते हैं तो ये ट्रेनिंग पे वापिस आते हुए तो नहीं देखा गया है, पास कर ही जाते हैं, और जब आप मेहनत करेंगे तो पास कर ही जाएंगे। यदि आप बार बार ट्रेनिंग में आप फेल होते हैं, फेल वही होते हैं जो फेल होना चाहते हैं,
ध्यान से रखिएगा यार, जो फेल होना चाहते हैं वही फेल होते हैं। यदि आपको जानबूझ के यदि बार बार फेल करेंगे तो फिर आपको जो है ना रिमूव फॉर सर्विस, आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने आप पे भरोसा करके स्टाइपेंड के रूप में पहले बार पैसा भी दिया और ट्रेनिंग भी कराया, उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शन नहीं किया, दूसरी बार में भी आप अपना पैसे से भी नहीं कर पाए, तीसरी बार में भी नहीं कर पाए, तो फिर इस केसेस में आपको जो है ना रिमूव फॉर सर्विस, फिर आपको घर भेज दिया जाता है, ताकि आप इंटरेस्ट नहीं जगा रहे हैं इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टोटल बात कर लिए ट्रेनिंग में फेल होने पे क्या क्या होता है, कुल कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, पूरा जो है ना सटीक वो सही इंफॉर्मेशन दिए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट हुए हैं। तो इसी तरह वीडियो जो है ना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटे को बटन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।